चले। बजाया अरे तो कैसे कर बोली थी हे गाइस वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग एंड आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग ब्रदर्स 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग न्यू जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, तो मेरे साथ है राहुल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम लोग अभी इसमें जाएंगे अपने बलेनो में, और अभी दीदी लोग रेडी हो रहे हैं ना रेडी आने के लिए, और पर टीम है वो भी थोड़ी देर में पहुंचेगी, फिर उसके बाद अपन यहाँ से निकलेंगे और वो जो नया जगह है वो आपको रास्ते में ही पता चलेगा। ठीक है, अभी ब्लॉग में बने रहिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ओके ठीक है, हम लोग तो दीदी का वेट करते हुए तो पहुँच गए हैं दीदी लोग भी, और यहाँ से निकलते हैं अपन। और क्या मोबाइल नो यूज, और क्या लिखा है बाबू? सिगरेट नो, सिगरेट नो। कहाँ तू चली चुरा के दिल मेरा, कोरिया। कहाँ जा रहे हैं दीदी हम लोग? कोयमारी जा रहे हैं, और हम लोग को काफी दिक्कत हो रहा है, ऑफ रोडिंग का सामना करना पड़ रहा है, देख सकते हो। ठीक है, और देखते हैं ये रास्ता कब तक ऐसा रहता है और आगे चल के अच्छा होता है कि नहीं। ठीक है, अभी ब्लॉग में बने रहिए आप, और काफी खूबसूरत जगह जाने वाले हैं अपन। खूबसूरत जगह है, यहाँ से राइट। यहाँ का एंट्रेंस है, ये प्रति व्यक्ति 10 रुपया, प्रति व्यक्ति 10 रुपया टिकट। फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए हैं कुएमारी, भारी मशक्कत के साथ। ऑफ रोडिंग था रास्ता और काफी खतरनाक था। राहुल अभी गाड़ी को देख रहा है और मेरे पीछे ये लोग जा रहे हैं। ठीक है, और अपने भाई को पूछते हैं कैसा लगा रास्ता। भाई बहुत अच्छा, ऑसम, एकदम मजा आ गया। ठीक है, भाई को भी मजा आ गया। तो अभी अपन चलते हैं लोकेशन में। ठीक है, और काफी टाइम बाद ब्लॉग ब्रदर्स आज कुएमारी में गाइस विजिट कर रहा है। अपन 2-3 बार विजिट कर चुके हैं इस जगह को, लेकिन राहुल भाई के साथ फर्स्ट टाइम मेरा। ठीक है, क्या भूल गया भाई? ठीक है, अभी राहुल कुछ भूल गया है, वो लेकर आ रहा है और मेरे पीछे दीदी लोग जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो में बने रहिए और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भी दिखाने वाला हूँ आपको। ओके तो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कुएमारी के जलप्रपात के पास, और यहाँ पर दीदी लोग सब नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है जलप्रपात के किनारे जाकर सेल्फी लेना मना है, किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है, तो कृपया ऐसे करके जोखिम भरे काम ना करें जैसे ये जी लोग कर रहे हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, अपना सेफ्टी के साथ यहाँ पर सेल्फी ले सकते हो। ओके, और काफ़ी यहाँ पर फ़ोटो शूट चल रहा है जी लोग का, और उसके बाद मैं नीचे जाकर काफ़ी सुंदर झरना आपको दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। जैसा कि मैंने बोला कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और ये कुएमारी को तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन ये ब्लॉग ब्रदर्स के चैनल में पहली बार अपलोड होने वाला है कुएमारी का खूबसूरत नज़ारा। तो मैं भी अभी नीचे जा रहा हूँ और पूरा नीचे का व्यू दिखाता हूँ आपको, तो वीडियो में बने रहिए। और गाइस जब भी आते हो यहाँ पर अपने थोड़ा सा ग्रिप वाले शूज पहन कर आइए, और मैं थोड़ी ही देर में आपको इतना खूबसूरत नज़ारा दिखाऊँगा गाइस, का दिल खुश हो जाएगा और फेफड़ा उदास हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी सुंदर झरना है हमारे सामने, थोड़ा सा वेट करिए,
क्योंकि इतना सुंदर झरना को मैं तो इतना आसानी से नहीं दिखाऊंगा। ये लोग काफ़ी डर रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब अपने सेफ्टी के साथ चल रहे हैं यहाँ पर और फोटोज लेते जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली गाइस वो नज़ारा आपको दिखाने का टाइम आ गया है, तो मैं कैमरा उस साइड घुमा रहा हूँ और दिखाता हूँ आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये देखिए, ये है गाइस कुएं मारे का व्यू पॉइंट, और इसके बाद मैं नीचे जाकर दिखाऊंगा पूरा का पूरा व्यू। ओके, वीडियो बने रहिए, अब बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस। और आप आते हो तो ये रस्सी पकड़कर जरूर चलिए, क्योंकि गिरने का बहुत ही यहाँ पर डर है। सेफ्टी फर्स्ट गाइस, अपना लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखिए गाइस जब भी आते हो यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा है गाइस, इसको देखकर कोई भी अपना होश खो सकता है। तो ऐसे ही अभी मैं नीचे जाकर दिखाऊंगा आपको पूरा का पूरा व्यू, ठीक है। सो हमारी टीम अभी वहाँ पर है, जी लोग अभी नीचे आ रहे हैं, उन लोग भी देख सकते हो काफ़ी सुंदर नज़ारा गाइस, इससे खूबसूरत नज़ारा देखने को आपको तो मुश्किल ही है कहीं पर। और ये कोंडा गांव से लगभग कितना दूर पर है? यहाँ कोंडा गांव से भाई 60-70 किलोमीटर पड़ेगा। 70 किलोमीटर की दूरी पर है कोंडा गांव से, तो ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से अपन भी थोड़ा सा लेट पहुँचे यहाँ। और इससे सुंदर और मनोरम जगह तो आपको मुश्किल ही है देखना, ठीक है। बस्तरों के जंगल में ऐसा खूबसूरत नज़ारा यहीं पर ही मिल सकता है गाइस, और कहीं नहीं, ठीक है। ये दीदी लोग भी आ गए, और ये छोटू, दीदी लोग का यहाँ, हाँ ठीक है, अभी फोटो वोटो खिंचा लेते हैं यहाँ। काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस यहाँ पर इतने सुंदर झरने के नीचे, और ये दीदी हमारी खूबसूरत स्माइल देते हुए और सेल्फी ले रहे हैं यहाँ। और ये जलपरी लोग यहाँ पर बैठे हैं, देख सकते हो, देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ये सिर्फ आपको ब्लॉग ब्रदर्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। जल मछलियाँ देखो ये रहे, कितने सुंदर सुंदर पोज देते हुए। गाइस पूरा भीड़ भाड़ यहाँ बढ़ते जा रहा है, और काफ़ी वक्त गुजर गया है यहाँ पर, और जल मछलियाँ भी कूद कूद कर यहाँ पर आ रही हैं, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सब अपना सेफ्टी के साथ यहाँ ध्यान रख रहे हैं। गाइस एक ही बात कहना चाहूँगा, जब भी आप कुएं मारी आते हैं तो ये वाला पत्थर में कब्जा जमा लीजिए, ताकि यहाँ पर बैठ कर आप पूरे सारे जगह का आनंद ले सकते हो, ठीक है। तो ये पत्थर में जो मैं बैठा हूँ ये यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खास है, ठीक है। दिल मेरा गोरी। फुल एंजॉयमेंट के बाद अपन भी यहाँ से निकल रहे हैं, अपना नेक्स्ट लोकेशन है टाटा मारी का। ओके, तो अपन टाटा मारी निकलेंगे यहाँ पे, और काफ़ी मज़ा आ गया गाइस, फुल एंजॉयमेंट था। और ठीक है, अपन निकलते हैं यहाँ से, अभी काफ़ी लंबी चढ़ाई है मेरे पीछे ऊपर, तो यहाँ भी अपने को सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर, पर कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। तो कैसा लगा आप लोग को यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हो आप लोग? कहाँ से? कांकेर से। बाप रे, इतने दूर से आए हैं, और इन लोग को तो हम देखे काफ़ी मज़े कर रहे थे, तो ठीक है, आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा इन लोग का एंजॉयमेंट। और काफी थकावट भरा रास्ता। हो पागल हुआ। कैसा लगा दीदी आपको कुएं मारी? awesome. मजा आया, ठीक है। दीदी का देखे रिव्यू कैसा था? बहुत ही खूबसूरत था बोले। और मैं भी यहाँ पर अभी मुंह धो लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से आगे निकलते हैं। मैं जैसा कि अभी पूरा नीचे का पूरा सुंदर व्यू दिखाया, लेकिन ऊपर का नहीं दिखाता, अभी मेरे पीछे इतना सुंदर ऑसम व्यू आ जाए, तो बस इसी के पैसे हैं गाइस, बाकी सब बेकार है, ठीक है। 20 रुपये में टिकट कटता है वहाँ पर काउंटर में, और इधर एंट्री मिलता है, ठीक है। और इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है गाइस, और मेरा तो ये थर्ड टाइम था और काफ़ी मज़ा आ गया। ओके, और मैं भी मुँह धो लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से अपन 9-2-11 गाइस। हो पागल हुआ दीवाना। पहुँच गए हैं और यहाँ से निकल रहे हैं। ओके, अभी अपन कहाँ जाएंगे दीदी? टाटा मारी जाएंगे। तो अभी अपन अपना नेक्स्ट लोकेशन है टाटा मारी का, ठीक है। तो गाड़ी भी चालू हो गया है, तो
तो निकलते हैं अपन। दीवाना हुआ, पागल हुआ, दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी, ओ चुरा के दिल मेरा। फाइनली गाइज हम लोग टाटा मारी में पहुंच गए हैं और कुएं मारी का सफ़र तो बहुत ही मज़ेदार था, ठीक है। और यहां का भी अभी मैं व्यू पूरा दिखाऊंगा। तो राहुल कैमरा निकाल रहा है, कैमरा निकालने के बाद अपन यहां से सीधा व्यू पॉइंट पे जाते हैं। तो ये टाटा मारी है गाइज, इसको ना हिल स्टेशन बोलते हैं और काफ़ी खाई है गाइज, ठीक है। अभी मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा वहां का, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। उड़िया चले उड़ा के निंदिया। हम लोग हिल स्टेशन में पहुंच गए हैं और मैं अभी थोड़ी देर में पूरा यहां का व्यू दिखाता हूं। ओके, तो तैयार हो देखने के लिए यहां का नज़ारा? और अब देखिए यहां का खूबसूरत नज़ारा। आप भी फोटो वोटो शूट करवाते हैं, ये घोंसला बना हुआ है। ओके, और ये पूरा यहाँ का हिल स्टेशन, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा गाइस। पूरा ये मनाली से कम नहीं लग रहा गाइस। राइट साइड में पूरा गार्डन बने हुए हैं। सुपर व्यू गाइस, ऑसम, नो पैसा वेस्ट। और ये केसकाल घाटी के साइड में है। तो फाइनली गाइस हम लोग टाटा मारी पूरा विजिट कर लिए और दीदी लोग भी जा रहे हैं, ठीक है। बाय बाय दीदी, फिर आना दीदी। तो कैसा लगा दीदी आप लोग? ठीक है, फिर ठीक है, अपन खैरा गढ़ाएंगे। अपन टाटा मारी से अब होनेड आ गया, अपना थर्ड लोकेशन। राहुल टिकट विकट कटवा रहा है यहाँ, उसके बाद देखते हैं ये प्लेस कैसा है, ठीक है। गाइस हम लोग अपने थर्ड लोकेशन में पहुंच गए हैं और वो लोकेशन का नाम है होनहेड जलप्रपात, ठीक है। तो अभी अपन कहां से हैं? टाटा मारी से। और टाटा मारी तो बहुत ही ऑसम प्लेस था गाइस, और हमारे दीदी लोग आगे चल रहे हैं। राहुल चल, अभी अपना थर्ड लोकेशन है। तो गाइस आज तो पूरा कंप्लीट ही करना है, लग रहा है केसकाल को। पूरा केसकाल आज पूरा खत्म कर देंगे। टाइम बचा था इसीलिए आ गए नए जगह, और नहीं तो भी अपन घर निकल चुके होते, ठीक है। और ये प्लेस कैसा है देखते हैं। अपना भी फर्स्ट टाइम है ना, अपना भी फर्स्ट टाइम है, और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। वीडियो में बने रहिए। कहाँ तू चली चुरा के दिल मेरा, गोरिया चली। लगा थे हैं? कैसे लगा थे दीदी? अति बड़ झरना देख के तोला है पीरा, दुख दर्द। अरे तो कैसे करबो दीदी? ये रहा यहाँ का होनहेड जलप्रपात, काफी खूबसूरत है गाइस। बाकी अपन नीचे नहीं जा पाएंगे, यहाँ सिर्फ दूर दृश्य है, यहीं से हम देख सकते हैं झरने को। है नीचे जाना है? ओहो, दीदी के मुताबिक हमको नीचे जाना पड़ेगा। गोरिया चली उड़ा के निंदिया, ऐसे नजारे सिर्फ और सिर्फ हमारे बस्तर में ही देखने को मिलेंगे, और कहीं नहीं।
अभी काफी पानी गंदा हो चुका है यहाँ, क्योंकि बरसात का मौसम है तो हम यहाँ नहा नहीं सकते गाइस, क्यों रहो। और यहाँ पर अपने जान का भी बहुत ही खतरा लग रहा है देखने से। अपने लिए नहीं बनाएगा इसे जानना, वो हमारी सही था, इससे अच्छा राहुल तेरा क्या ओपिनियन है, वो हमारी बेस्ट या हॉर्न हेड? वो हमारी बेस्ट है, ठीक है। तो हमारे YouTube की जनता को बता दीजिए कि कहाँ जाना बेस्ट है, कमेंट में गाइस कमेंट कीजिए, ठीक है। और काफी सुंदर जलप्रपात है ये भी, तो काफी थक चुके हैं और ये हमारा लास्ट लोकेशन था, तो देख ही लिए होंगे आप। और आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड वीडियो पर कमेंट जरूर करना, ताकि अपन और भी ऐसे न्यू वीडियोस आपके लिए लाते रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ओके। और कुछ बोलना चाहता राहुल? तो गाइज ऐसी वीडियो को प्यार देती रहिए ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं, ठीक है। तो बाबू और कुछ? बाय, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है गाइज, तब तक के लिए बाय।